और ये आपकी खुद की लाइन है तो तीन हुए। लोगों की शादी में जाना तो लिखा होगा आपने, ऐसे क्यों मुंह इतना लंबा, गर्दन लंबी कैसे होगी भाभी आपकी? हाथ नहीं लगा सकते वो अभी पेट में छोटे रसगुल्ले फिर उठा रहे तेरे ऐसा मर गए मुंह पे समझ नहीं आता तेरे को बहुत बच्चा भी हो गया। गोलू भाभी आओ। तो वेलकम बैक टू आवर चीकू मिल्क चैनल, तो जुड़ के बचाना अब तू। तो चीकू ये बोलना चाहता था कि जुड़े रहिए कहीं जाना मत। आपने क्या बोला? जुड़ के मत जाना कहीं। ट्यूशन जा रहे नहीं जा रहा भाभी? जाएगा, टाइम हो गया बस फिर। पापा बोलते बोलते गया, नहीं गया तो मार खाएगा। वो तो है ही भाभी। क्या चूज करते हो दोनों में से? उंगली पकड़ो, एक उंगली पकड़ो, मार खाएगा भाभी लग रहा है। चीकू ये बाबा बनना बंद कर दे बेटा। मम्मा सुनो, एस्ट्रोलॉजर है भाभी चीकू, भविष्य देखता है। आप अपना हाथ दिखा सकते हो इसको, हाथ पढ़ दो बेटा मम्मी का। क्या दिखाई दे रहा है? ये इनकी माँ की लाइन है। अच्छा, माँ की लाइन है। ये इनके पापा की लाइन है। अच्छा, और ये इनकी खुद की लाइन है। अच्छा, तो क्या दिख क्या रहा है आपको भविष्य में? बच्चे कितने होंगे मेरे? आप होंगे तीन। तीन होंगे या दो और होंगे? तीन होंगे ना भाभी, तीन टोटल, तीन होंगे टोटल, तीन है भाभी। जैसे ये आपकी मम्मा है। अच्छा, ये आपके पापा है। अच्छा, और ये आपकी खुद की लाइन है, तो तीन हुए। अच्छा, तीन हो गए भाभी, वेरी गुड। मेरा भविष्य पढ़ूंगी। कितने पढ़ेंगे पहले ये देखो? पढ़ूंगी कितना? उनके थप्पड़ खाने के लिए पढ़ूंगी कितना? एक साल पढ़ोगे? एक साल पढ़ोगे भाभी, रहने दो। लो गोलू मांगा देखो। राइट लेफ्ट कौन सा देखते हो आप? यही वाला लेफ्ट देखते हैं ना, लड़की का भाभी। कोई भी देख लेते हैं, कोई भी। वाओ, क्या देखा? चार बच्चे। चार बच्चे मेरे? हाँ, मेरा एक बच्चा है, तीन आने वाले हैं। हाँ, टोटल चार हो गए। सही बोल। शांति, हाथ दिखवा ले, बाबा आए घर पे। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ। जो मेरा बड़ा बच्चा है समझदार कब होगा? नहीं नहीं, आप नहीं हो बड़ा बच्चा मेरा समझदार। आप तो पंडित हो ना। मेरा एक बड़ा बच्चा है, थोड़ा शरारती है, समझदार कब होगा? ट्यूशन कब जाएगा रोज, और स्कूल कब जाएगा? ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सही हो जाए? हाथ तो देखो, ध्यान लगा रहे हैं भाभी। वो माथा देख के भी कर लेते भाभी, ध्यान। इनका माथा तो दिख नहीं रहा भाभी, ध्यान लगा रहे। तभी तो लोगों का माथा देखता, खुद का नहीं दिखता भाभी। बच्चे का दिखाते नहीं किसी को। ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो सबको। सर इतना टाइम नहीं है। मैं समझ गई, बच्चा समझदार नहीं होगा। नहीं होगा? होगा 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 होगा। लो सर, मेरा सर, मेरा देख। शादी कब होएगी? और भी देख देना। मेरे नहीं होगी शादी। अच्छा, ये वो अपनी फेवरेट गाड़ी कब लेंगे? मर्सिडीज वैगन, कोई भी आ जाए। कोई भी, मतलब इनका सपना है मर्सिडीज लेने का। एक साल में? एक साल में। ये सही है, ये सही है। शादी कब होगी? अपने दूसरे हाथ दिखाओ। दूसरे हाथ में है शादी? लड़की शादी नहीं है, नहीं है तेरे हाथ में। शादी में जाना तो होगा किसी की। स्वयंवर कैंसिल तेरा। लोगों की शादी में जाना तो लिखा होगा। नितिन तेरा स्वयंवर कैंसिल। शादी नहीं होगी तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? सुनो, लोगों की शादी में जाना तो लिखा होगा, जाके खा पी तो सकता हूँ। आपकी शादी में आ जाऊँ? अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा बेटा मतलब जो पहला वाला बच्चा है, जो बड़ा है चिरायु, उसकी शादी कब होगी? उनकी नहीं रहेगी, सिंगल रहेगा। सिंगल रहेगा भाभी। यार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना ये हमारे कोई बच्चे हमारी बहू तो होगी। चीकू चीकू थोड़ी है ये। अच्छा, सॉरी पंडित जी सिंगल सिंगल है भाभी। वो अपने चाचू जैसा रहना चाहता है, सिंगल है ना सर? लाइफ टाइम सिंगल रहेंगे, तभी चाचू की शादी नहीं हो रही। एंगेजमेंट रिंग में भाभी, एंगेजमेंट रिंग मत बोलो फिर। एंगेजमेंट रिंग इस उंगली में आती है भाभी, इसमें थोड़ी आती है। इसमें आती है भाभी एंगेजमेंट रिंग? इसमें आती है, इसमें आती है, जिसमें मैंने पहन रखी है। रिंग फिंगर बोलते हैं इसको। मैंने तो वैसे ही पहन रखी है। नहीं, आपकी एंगेजमेंट हो गई है? नहीं हुई भाभी। अच्छा, इनकी एंगेजमेंट हो गई है, तब शादी नहीं होगी। होगा भाभी। टिशू कह रही हूँ, ट्यूशन चला गया है? हाँ। कौन छोड़ने गया? आप 10 मिनट से अंदर थे वॉशरूम में, वो चला गया। मतलब ये लगाओ, इतना पंचुअल है बच्चा, है कहाँ पे हो? इतना पंचुअल है वो खुद चला गया ट्यूशन, अपनी साइकिल पे गया है। आपने ऐसे क्यों मुंह इतना लंबा, गर्दन लंबी कैसे होगी भाभी आपकी? भैया मेरा ना ये प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पेट के साथ साथ गर्दन भी बड़ी होती है। पेट तो हर किसी को आता है, गर्दन मतलब बता किसी किसी की होती है गर्दन? बता इसकी गर्दन और लंबी है। मेरी गर्दन लंबी, गर्दन गर्दन लंबी हो ली, गर्दन तो हाथ से भी। बच्चे की जो गर्दन है ना, यहाँ फंस गई इसकी, दो हाथ भी बाहर आ गए भाभी। और नहीं वो तो चार हाथ पैर नहीं होंगे बच्चे के, बच्चे के हाथ है मेरे। चेक करूं अभी? हाथ नहीं लगा सकते वो अभी पेट में। भैया पेट में है, मुंह में है भाभी। बच्चा लात मार रहा है, हंस रहा है। लात मार दे बच्चा, लात मार दे। हाँ भैया, लात मार दे बच्चा। नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, पीछे से मत मारियो बेटा। लात मार दे बच्चा। नहीं बेटा नहीं, ए मेरे बच्चे को मार रहा है, देख देख, दर्द हो जाएगा उसके पेट में। मेरे बच्चे को मार रहा है पेट में, मुंह में भाभी, पेट में। बच्चा लात मारेगा देख, अभी पेट के बाहर से
चीकू लात मार देख रोयो देख लिया बोलू ना सारा इसका थूक निकल रहा है बालों पे थूक लगा दिया जा फटाफट ना बाय मम्मा बाय आज भी लेट आऊंगा भाभी रोज रोज कहता है लेट आऊंगा टाइम से आना है चलो बाय बाय मम्मा बाय बेटा दो मिनट रुको यार मेरे स्लाइम अंदर क्या हो स्लाइम भी लेके आए हो हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते पढ़ाई की अच्छे से हाँ चलो फिर घर तुझे छत पे है ना मम्मा पता नहीं कहाँ है देखो छत पे है चलो फिर कहाँ कहाँ घूमा है सुबह से गायब हो रात हो गई आप ना क्या आपके आज बाल खराब होंगे क्यों खराब होंगे क्यों खराब होंगे स्प्रे लेके आऊंगा कौन सी स्प्रे जो है? जो भी किसका बर्थडे होता है मेरा भाई एक घंटा लगा ये बाल बनवाने में पता है ऐसे स्प्रे करूंगा और आप कह रहे हो खराब आपकी बनवा दूं कल ऐसे आपकी कल स्प्रे करूंगा मेरी बात तो सुन लो आपके बनवा दूं ऐसे बाल बनवा लो बैठ जाओगे ना एक घंटा है कुर्सी पे टेढ़ी गर्दन करके बेटा टोपा देना क्या हो गया मस्त लगेंगे आपके बहुत ठीक है कल बनवाता हूँ ठीक है क्या हो गया एक्टिंग देख लो इसकी ठंडा नीचे ठीक है शैम्पू बेबी शैम्पू है दिखा दो तो भाभी बेबी ढूंढ ना रहा है तो बेबी है ना देखो बेबी हाँ, बेबी हो चीकू आप देखो अगले गिफ्ट लेके आती दिखाने से क्या है तो आपके फेवरेट क्या है ये अमरूद और आपके फेवरेट क्या क्या सामान आई है पता है ना आज आपको भाभी ये पता क्यों फेवरेट है इसके जब ये पैदा होने वाला था आपने अमरूद खाए थे हाँ मैंने बहुत अमरूद खाए थे ये तभी अमरूद खाता है भाभी इसके फेवरेट है आज उसके लिए कलाकंद काजू कतली छोटे रसगुल्ले ये देखो भैया चीकू के अपने लिए क्या लेके आए आज तुम आज हम फुल मीठा लेके आए हैं फुल आप भी खा लो खाएगा चीकू अभी ग्रीन एग्स और हैम खाने ये ना 3 दिन से कार्टून देख रहा है ग्रीन एक्स ऑन हैम उसके सारे एपिसोड निपटा चुके हैं ओ भाई साहब भाभी एटीएम बैंक का चीकू पागल हो गया एटीएम हो भाभी ये कर क्या रहा था चीकू कर रहा था तू पिटेगा आज तू पायल भाभी हंस रहा ऊपर से भाभी अब इसका क्या इलाज है बताओ भाई इसके पापा को बुलाओ आज मैं कोई इलाज नहीं कर सकती मैं तो यहाँ पे आया मैंने कैमरा ऑन किया कि देखूं क्या कर रहा है देखा एटीएम काट रहा है फिर उठा रहा तेरे ऐसा मर है मुंह पे समझ नहीं आता तेरे को क्या कर रहा है तू हंस रहा है भाभी ऊपर से बहुत तो बदतमीज हो गया भाभी कुशन से फोन मारता है भैया ठंड हो रही चप्पल से थोड़ी मारेंगे तो गाइस बच्चे ने पूरा एटीएम काट दिया एक्सिस बैंक का सॉक्स भी नहीं देखो कितनी बार बोला मैंने सॉक्स पहन ले ठंड में मर जाएगा ऊपर से यहाँ पे काम उल्टे कर रहा है तू शर्म नहीं आती क्या शर्म नहीं आती क्या अब इसके पापा ऊपर है ना ये संभाल के रख ये संभालना ही हुआ इसको क्या संभालने पास तो है नहीं अब तेरे को मारना या तेरे पे चिल्लाना इंटेंशन क्या होता है भाभी ये होता है ना इंट्यूशन नहीं नहीं गोलू भाभी एक्सपर्ट है गोलू भाभी बड़ा एक्सपर्ट है उसे खुद तो पता नहीं होता कुछ वो क्या होता है इंटेंशन होता है ना कि हाँ। मुझे ऐसी एक इंटेंशन आ रही है हाँ इंटेंशन आ रही है मुझे बहुत ज्यादा कि ये पीटी मुझे पता क्या आ रहा है नहीं भाभी मुझे पता क्या आ रहा है हाँ। कि जब 3 बच्चे और आ जाएंगे ना तो ये जाएगा हॉस्टल में इंट्यूशन होता है वो भाभी इंटेंशन होता है इंट्यूशन होता है भाभी आप सही हो गोलू आप गलत आप गलत हो इसके बाल ही काटे आज काट दो भाभी जो हीरो बनता फिर रहे ना हीरो बन रहा है ना पैर मार रहा मेरे पैर मार रहा है मैं फिसल गई मुझे चोट लग गई तो तेरा क्या हाल होगा समझ ले भाभी काट दो उसके बाल ही काट दो पकड़ गोलू भाभी आओ भाभी इस हीरो की ना आज बना दिया मोर हीरोइन बना दिया इसको चीको फिर तक लग जाएगी पारी को इस चक्कर में भाभी प्रैंक था ये मैंने इसको पुराना एटीएम दिया था मैंने बोला था कि भैया ये कोई उम्र होती है प्रैंक करने की हमारे साथ क्या भाभी उम्र क्या आप लोग ना बहुत परेशान करते हो आप दोनों सच में यार हम दोनों को बहुत परेशान करते हो पुराना तो दे दो आपका एटीएम नहीं था भाभी
मेरे पास था एक पुराना। तो गाइस अभी बज गए रात के 10:30 और चीकू और पायल ना बिल्कुल टाइम से सो चुके हैं, क्योंकि कल क्या था कि हम सुबह से बाहर थे और फिर चीकू दोपहर को भी नहीं सोया था, मैं भी नहीं सोई थी, तो बहुत नींद आ रही थी। तो चीकू भी सो गया, पायल भी सो गई और दूध भी पी लिया उसने। तो गाइस हमारा न्यू सॉन्ग चेले चपटे आ चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा चेले चपटे, लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे आप जाके सर्च कर सकते हो चेले चपटे बाय अरमान मलिक, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत करी। और गाइस नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे ना आने वाले टाइम में बहुत सारे गाने आने वाले हैं अरमान जी की वॉइस में, तो आप नंबर 1 रिकॉर्ड्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।